Hello students, in this video we will take up your doubts of current electricity. So the first question that I am going to do is level 1 objective question 22. Okay, now ye question mein kya diya hua hai, you have two resistances are connected in two gaps of a meter bridge. So ye meter bridge pe question hai, to meter bridge pe jab kabhi question hota hai, you should ideally do this. ये वायर बना दी, ओके. यू हैव टू गैप्स, वन टू, ओके. मीटर ब्रिज के लिए बस इतना सा ही बना दो, एंड यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, ओके. नाउ दोनों इसमें दो रेजिस्टेंसेस है, एक एंड दो. ये दो गैप्स होते हैं ना, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. सो द बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड. तो यहां से ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है. So obviously this has to be 80 centimeters. Okay. अच्छा, now because ये then छोटी है, this will be your smaller resistor, this will be your larger resistor. तो आपका पहला जो equation बनेगा वो ये होगा, x upon y is equal to 20 upon 80. So x is equal to y by 4. और therefore y is equal to 4x. Okay. अब इन्होंने क्या कहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू. वी नो दैट दिस इज अ स्मॉलर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके सामने ये छोटी वायर का जो लेंथ है दैट इज स्मॉल. सो दिस इज योर स्मॉलर रेजिस्टेंस. सो अब आप इस स्मॉलर रेजिस्टेंस के साथ 15 ओम सीरीज में लगाते हो. 15 ओम सीरीज में लगाओगे तो अब टोटल लेफ्ट गैप में आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 15. दिस वुड बी द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप. अच्छा, राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही है, वो y है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज व्हेन यू डू दिस द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 40 सेंटीमीटर. तो जो पहले 20 पे था, अब आपका जो नल पॉइंट है, ये जो नल पॉइंट है, दिस नल पॉइंट विल शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर्स. ये x जो है, दिस x विल बिकम x प्लस 15. ये y as it is है, एंड ये 40 हुआ तो ये कितना होगा, दिस वुड बी 60 सेंटीमीटर्स. सो x प्लस 15 अपॉन y विल बी इक्वल टू 40 बाय 60. अब आपको इसको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस. सो दिस इज 2 बाय 3, ओके. सो दिस विल बिकम 3x प्लस 15, 3 इज 45 इज इक्वल टू 2y इज 4x, सो 2, ये 8x हो जाएगा. So, आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 इज इक्वल टू 5x एंड x की जो वैल्यू है वो आपको 9 ओम्स आएगी. सो दिस विल बी 9 ओम्स, दिस विल बी 36 ओम्स, 4 ओम्स. ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल गो ऑन टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. लेवल 1 सब्जेक्टिव. लेवल 1 सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ ये जो 10th क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है, कॉपर हैज 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम. नाउ ये ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. ओके, आपको क्या क्या दिया हुआ है, कॉपर हैज 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम. सो ये जो आपका वायर है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर. ओके, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर. Now we know that metal wires के अंदर free electrons होते हैं, so what they are saying is one copper atom will give you one free electron. So if you have n copper atoms, you will get n free electrons. ठीक है, वो समझ में आया आपको. Okay. Now what they have said is, अब आगे और पढ़ते हैं. The density of copper is given to you as 8.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, एटॉमिक मास इज गिवन टू यू एस 63.54 ग्राम्स पर मोल, फिर इन्होंने दिया हुआ है कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 mm. सो ये जो डायमीटर है दैट इज 1 mm. सो डायमीटर इज 1 mm. Then the radius would be equal to 0.5 mm. ये दिया हुआ है. और what else they have given to you?
अच्छा, इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स. इट इज गिवन टू यू दैट ये जो वायर है, दिस वायर कैरीज अ करंट. इसके अंदर ये जो करंट पास हो रहा है, ये 2 एम्पियर करंट यहां से पास हो रहा है. सॉरी, 2 एम्पियर करंट यहां से पास हो रहा है. सो करंट इज गिवन टू यू एज 2 एम्पियर्स. आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. VD, दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, नाउ ये जो ड्रिफ्ट स्पीड की अगर जो हम लोग बात करें, तो वॉट इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सी, आपको करंट दिया हुआ है ना, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशनशिप होती है. सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी. एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. अच्छा, जे इज योर करंट डेंसिटी. तो अब आप करंट डेंसिटी को आई बाय ए लिख सकते हो ना. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आई बाय ए. ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. सो ये सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, दैट इज योर पाई आर स्क्वायर. एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, टोटल वॉल्यूम. ओके, इंटू ई इंटू वी डी. यहां पे एन मैं लिख देता हूं, एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब टोटली कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो यू हैव आई, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ही हमें पता है वन कॉपर एटम गिव्स यू वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, राइट. क्योंकि एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एन कॉपर एटम्स भी होंगे. सो एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन इज ऑल्सो योर नंबर ऑफ कॉपर एटम्स. नंबर ऑफ कॉपर एटम्स ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर. सो एंड नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर. सो ये जो आपका कैपिटल एन है, कैपिटल एन इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स विच इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर. सी प्लीज रिमेंबर, दिस एन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एन. ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है. एंड नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास अपॉन एटॉमिक मास. सो नाउ आई कैन राइट कैपिटल एन एज मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी इंटू ई इंटू वी डी. समझ में आई, एन के जगह पे आई हैव रिटन दिस. ओके, सो दिस इज मास, दिस इज एटॉमिक मास. अच्छा, अब यहां पे आप देखो पैटर्न, आप आइडेंटिफाई करो. मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डेंसिटी. सो नाउ दिस वुड बी इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर. मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी इंटू अवोगाड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास इंटू ई इंटू वी डी. सो आपको अब वी डी चाहिए, वी डी को एक साइड पे रखो, आई इंटू ए डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर रो एन नॉट इंटू ई. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स. ओके, सो अब हम लोग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें. सो वी डी इज इक्वल टू करंट आई विच इज गिवन टू यू एज 2 एम्पियर्स. ए इज एटॉमिक मास, ये ग्राम्स पर मोल में, तो आप ग्राम्स में ही दे रहे हो. सो ए इज 63.54 ओके ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय पाई. सी अगर जो हम लोग इसको ग्राम्स में रख रहे हैं, तो आपको डेंसिटी जो है, डेंसिटी को आपको ग्राम्स में ही रखना होगा. बट फिर ये सेंटीमीटर है, तो आपको डायमीटर को, रेडियस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. सो ये अगर जो 0.5 mm है, तो और 10 से डिवाइड करो तो ये 0.05 सेंटीमीटर्स हो जाएगा.
So this will be pi into 0.05, that is 5 by 100 square. Okay. Density it is 8.89. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. डेंसिटी इज 8.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. अवोगैड्रोस नंबर इज रफली 6 × 10⁰³ पर मोल इंटू ई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? लेट मी राइट इट ओवर हियर. 1.6 × 10⁻¹⁹. तो आपको ये जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी, ये ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी, दिस ड्रिफ्ट स्पीड वुड बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. आपको ड्रिफ्ट स्पीड सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के टर्म्स में मिलेगी. ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो. फाइन. ओके, मैं अब आगे सॉल्व नहीं कर रहा, यू कैन जस्ट सॉल्व दिस अहेड. ओके, फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 12 सब्जेक्टिव का. एक काम करते हैं, पहले ना क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, बिकॉज दैट इज सिंपल. 12th के लिए आई नीड मोर स्पेस, तो फिर मैं पीछे वाले साइड पे क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं. सो क्वेश्चन नंबर 22 में ये ऐसे दिया हुआ, अ बैटरी इज गिवन टू यू. ओके, यू हैव दिस, दिस, दिस. ये ऐसे कनेक्टेड है ये. सो दीज टू अपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड एंड दीज टू अपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड. ना ऐसे इसमें ना कहीं पे कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा. सो द बेस्ट वे इज स्टार्ट द नेमिंग. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. इससे शायद कुछ हिंट मिल जाएगा. सो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा. ये वायर से डायरेक्टली इसको कनेक्टेड है, तो दिस विल ऑल्सो बी योर पॉइंट ए. इफ दिस इज बी, दिस विल ऑल्सो बी बी. ये वायर से इसको कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो बी. ना इफ यू लुक एट फोर रेजिस्टर्स, इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए बी. This is connected between AB. This is connected between AB. This is connected between AB. Battery is also connected between AB. तो आपका ये effective circuit तो ऐसा हो गया ना. This is A. This is B. इनके बीच में ये चार resistors हैं. 1, 2, 3, 4. And ये battery 24 volts. Is given to you. And ये जो resistances है, that is 4, 6, 8, 12. 4, 6, 8, 12. ये चारों parallel में हो गए ना. So अगर जो ये चारों parallel में हो गए, तो आपका resultant क्या आ जाएगा? 1/RP = 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/12. So ये 24, ये 6 + 4 + 3 + 2. सो ये आ जाएगा 15/24. दिस इज 1/RP. सो RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी 24/15 ohms. ओके, अब आपको करंट चाहिए. करंट इन द सर्किट वुड बी इक्वल टू EMF, दैट इज 24 volts, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 24/15. दिस इज इक्वल टू 15 amperes. क्या आया आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 अगर जो आप देखोगे, दिस इज गिवन टू यू एज, सो अ कंडक्टर इज गिवन टू यू, बट इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है. दिस इज बी. ओके, द लेंथ इज गिवन टू यू एज एल. ओके, एंड आपको ये पूछा गया है, अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो.
ये चीजें आपको दी गई है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द एंड्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ओके, अब इन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो बेसिकली आपका जो करंट है वो ऐसे जा रहा है। नाउ यू कैन ब्रेक दिस कंडक्टर इनटू वेरियस सेक्शंस। ना मान लो यहां पे मैं एक सेक्शन देता हूँ, फिर यहां पे एक सेक्शन देता हूँ, तो यू कैन सी दैट सेम करंट हर एक सेक्शन से पास होगा। सो अगर जो हम लोग इस छोटे से सेक्शन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो सेम करंट हर एक सेक्शन से पास हो रहा है, तो हर एक ये छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस है वो किस में हो जाएगा, हर एक छोटा रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इन नाउ सीरीज। समझ में आया? सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप बी डी आर, सो देयरफॉर ये डी आर कितना होगा, रो इन टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज दिस, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है आप वो लेंथ मेजर करते हो। सो लेट्स से दिस इज एक्स, तो ये जो लेंथ हो जाएगी इसकी हो जाएगी डी एक्स। एंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये रेडियस चाहिए ना, सो लेट्स से द रेडियस इज स्मॉल आर। ओके, लेट्स से द रेडियस इज स्मॉल आर, सो इट विल बी रो इंटू लेंथ इज डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, योर टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इंटीग्रल ऑफ दिस समेशन। ना आपको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, मतलब समेशन विच इज नथिंग बट इंटीग्रल। दिस विल बी रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, वेर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to L। अब नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो अलग वेरिएबल्स है, एक तो एक्स, आप जैसे जैसे स्ट्रिप चेंज करते जाओगे आपका एक्स चेंज होगा, एंड आप जैसे जैसे स्ट्रिप की पोजीशन चेंज करोगे आपका आर भी चेंज होगा। तो यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो आपको दोनों में रिलेशनशिप लगानी है। नाउ द रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल, लीनियर वेरिएशन है यहाँ पे। इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में, इफ यू रीड द क्वेश्चन, ओके, क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली। अब वेन एवर क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली, तो आप कैसे इसको ट्रीट करोगे, देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन बी है, यहां से ए है, तो चेंज कितना हुआ, बी माइनस ए, एंड ये चेंज हैपेंड ओवर द लेंथ एल। हाँ, जब लीनियर वेरिएशन होता है, तो यहां पे आप जब ए से यहां पे जाते हो आर की तरफ, तो व्हाट इज द चेंज इन द रेडियस, आर माइनस ए, एंड कितने डिस्टेंस के बीच में ये चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, इट इज ऑब्जर्व ओवर अ डिस्टेंस एक्स। सो दिस बिकम्स योर रिलेशनशिप। सो नाउ अब एक्स को ये साइड पे देखे जाता है, एंड वी विल राइट आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, ओके, यू विल हैव एक्स बी माइनस ए बाय एल इज इक्वल टू आर माइनस ए। ओके, ये आया समझ में आपको? नाउ व्हाट वी कैन डू इज, एक काम करता है, ओके, लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। नाउ इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो डी एक्स ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बी माइनस ए बाय एल, ये डी आर माइनस डेरिवेटिव, ए इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, सो डी एक्स कैन बी रिटन एज एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। तो यहां पे डीएक्स के जगह पे आई कैन राइट डी आर ना, सो आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इट विल बी इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड डीएक्स कैन बी रिटन एज एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। ओके, एंड वेर योर आर कहां से कहां पे वेरी कर रहा है, जब आप यहां पे थे तो आर की वैल्यू थी ए, आर इज नथिंग बट दिस रेडियस, सो रेडियस इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज वॉट यू वुड गेट। सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, रो एल पाए बी माइनस ए, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है बाहर आ जाएंगे,
वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस वन बाय आर वेरीज फ्रॉम ए टू बी, सो दिस बिकम्स रो एल पाय बी माइनस ए, माइनस साइन है ना, तो अब ये वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी हो जाएगा, सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू रो एल बी माइनस ए अपॉन ए बी पाय इंटू बी माइनस ए, ये और ये कट हो जाएगा, सो योर रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू रो एल अपॉन पाय ए बी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42 जो है, इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली योर आइडियल एमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल एमीटर। अब यहां पे अगर जो आप देखोगे तो यू हैव अ बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर है। तो अब यहां पे अगर जो आप करंट निकालोगे इस सर्किट में, जो एक्चुअल करंट है, दैट इज लेट्स कॉल इट एज आई नॉट, इट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अच्छा, नाउ ये करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर लगाते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप एमीटर को सीरीज में लगाते हो, और जैसे ही सीरीज में लगाते हो तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो अब एमीटर लगाने के बाद जो आपका करंट है, आपका करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर प्लस आर ए। ऑब्वियसली टू कैन नॉट बी इक्वल, ये दो इक्वल नहीं हो सकते ना, ये इक्वल कब होंगे, व्हेन आर ए इज जीरो। सो इफ आर ए इज जीरो देन करंट विल नॉट चेंज, एंड वी गेट अ ट्रू रीडिंग, एंड हमें जो है वो ट्रू रीडिंग मिलती है, वी गेट अ ट्रू रीडिंग। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं होता, मतलब आइडियल एमीटर आपको कभी नहीं मिलता, हमेशा एमीटर का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता ही है। सो अब इन्होंने, अच्छा बट एमीटर का जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, आर ए शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, दे हैव सेट दैट ये जो आपका करंट है इट शुड बी विद इन दिस करंट आई ए, इट इज गिवन टू यू वर्डिंग्स, देखो आई ए इज विद इन 99% ऑफ द करंट इन द सर्किट व्हेन एमीटर इज एब्सेंट। सो इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि आई ए इज ग्रेटर देन 99% ऑफ आई नॉट। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ आई ए दिस विल बी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर प्लस आर ए should be greater than 99 by 100 times I naught E divided by R plus R। अब चीजें solve करो, so E और E cut हो जाएगा। okay, so you will have, okay, cross multiply करता है तो you will get 100 upon 99 into R plus R should be greater than R plus R प्लस आर ए। अब इसको ये साइड पे देके आता है, इसको ये साइड पे देके आता है, तो व्हाट यू वुड गेट इज आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, 100 बाय 99 माइनस 1, सो यू विल गेट दिस एज 1 बाय 99, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर ए, सो देयरफॉर आर ए शुड बी लेस देन 1 बाय 99 टाइम्स, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन टू यू एज 3.80, value of small r is given to you as 0.45, so your r a should be less than 1 by 99 times, this is 5, this is 8 plus 4, 12, carry 1, 4.25। okay, now 99 ke jagah pe aap division ke liye 100 maan lo, so r a should be less than 4.25 upon 100, that is 0.0425 ohms। दिस शुड बी योर आंसर, आपके साथ पीछे मैच नहीं कर रहा, बट दिस इज वॉट योर आंसर शुड बी। ओके, फाइन, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 52B. ये जो 52B है ये सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन है. सो अ सर्किट इज गिवन टू यू. ओके, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड एवरी रेजिस्टर इज आर. ओके, एंड दीज आर परफेक्टली कंडक्टिंग वायर्स. आपको ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, सो लेट्स रीअरेंज दिस. मतलब इफ दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट विल बी बी, दिस पॉइंट विल बी बी, दिस पॉइंट विल बी बी, क्योंकि ये सारे वायर से कनेक्टेड है. अच्छा, इफ आई कॉल दिस, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट सी. सो ए, और इफ दिस इज योर पॉइंट सी, ए और सी के बीच में यू हैव अ रेजिस्टर आर, एंड सी एंड बी के बीच में यू हैव थ्री रेजिस्टर्स. आर आर आर, तो अब क्या हो गया आपका रिजल्टेंट? ये इन तीनों का रिजल्टेंट आर बाय थ्री आएगा, एंड आर एंड आर बाय थ्री सीरीज में हो गए, तो फाइनली ये रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज आर प्लस आर बाय थ्री, थ्री आर, ये फोर आर बाय थ्री. दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है, फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवल टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10. लेवल टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्या है. सो यू हैव अ ईएमएफ बैटरी, अच्छा, जिसका ईएमएफ इज गिवन टू यू एज 10 वोल्ट्स. इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज जीरो. ओके, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच इज वेरिएबल. ये वेरिएबल रेजिस्टर है ना. इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो इस तरह से चेंज होती जा रही है, विद टाइम इट इज चेंजिंग लीनियरली. ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है. सो ऑब्वियसली यहां से करंट निकलेगा, एंड ये करंट भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपका ये जो करंट है दिस इज ई बाय आर, करेक्ट? सो करंट इज समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंज. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टोटल चार्ज विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर. टोटल चार्ज कितना रेजिस्टर से फ्लो होगा बिटवीन T1 एंड T2. ओके, नाउ हाउ विल यू डू दिस? सो आपको टोटल चार्ज जो फाइंड आउट करना है, दैट टोटल चार्ज क्यू, इट इज सिंपली इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, राइट? डी क्यू बाई डी टी आई होता है, तो चार्ज फ्लोन वुड बी इक्वल टू आई डी टी बिटवीन T1 एंड T2. I can be written as integral of E by R, okay, dt. अब R is a function of time, and आपको ये as a function of time लेके आना है. Now how would you find this out? आप ये कैसे find out करोगे? So basically हमेशा equation ये होता है ना straight line का. अगर जो आपको दो points पता है यहाँ पे, आपको T1 and R1 पता है, आपको T2 and R2 पता है, तो हाउ डू यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इनटू x माइनस x1. सो y माइनस y1, लेट से दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ओके, सो दिस इज y1, दिस इज y2, this is x1, this is x2. Okay, so y is r, minus y1 is 20. Achha, y1 minus y2 upon x1 minus x2, ye kitna hoga? y1 minus y2, so minus 20 upon minus 20, to ye 1 ho jayega. x minus x1, x is time, minus x1 is 10. तो आपका जो ये R होगा ना, R वुड बी इक्वल टू T प्लस 10. दिस इज वॉट यू वुड गेट, T प्लस 10. ये माइनस 20 ये साइड पे आ जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा. सो नाउ इंटीग्रल E इज 10, R आई नो इट इज T प्लस 10 इंटू dt. ओके, अब ये यहां से 10 बाहर निकलेगा, 1 बाय T वुड बी, उसका इंटीग्रल होगा ln T. सो यहां पे लॉन T प्लस 10 हो जाएगा, T प्लस 10 है ना,
सो लॉन टी प्लस 10, टाइम कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है, टी वन से टी टू, सो 10 से 30 तक टाइम वेरी कर रहा है. ओके सो नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 10 लॉन, टी के जगह पे 30 पुट करो तो ये हो जाएगा लॉन 40 माइनस, अब टी के जगह पे 10 पुट करो तो लॉन 20. लॉन ए माइनस लॉन बी इज लॉन ऑफ ए अपॉन बी, तो 40/20 हो जाएगा 2, एंड लॉन 2 इज 0.693, सो 10 इंटू 0.693 दिस विल बी इक्वल टू 6.93 कूलम्स. दिस इज बेसिकली द टोटल चार्ज दैट विल फ्लो. ओके 10 लॉग 2, ये आया समझ में? ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डाउट्स है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा. ओके चलो बाय.